Class, good evening to all of you. सबको मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग. पिछला पीडीएफ रिवाइज किया, देखा चैप्टर सच में सिंपल है अगर आप रेगुलरली रिवाइज करेंगे तो. ठीक है, बस थोड़ी थोड़ी बातें याद रखनी. और जैसे कि लास्ट में एक चीज हम बात कर लेते हैं, उसको बोला जाता है इम्पीडेंस ट्रायंगल. क्या बोला जाता है? इम्पीडेंस ट्रायंगल. ठीक है, अच्छा आज 1.5 है क्या? वन पॉइंट थ्री और 1.4 का पीडीएफ कंबाइंड हो गया था क्या? पता नहीं क्या हो गया. ठीक है, इम्पीडेंस ट्रायंगल में हम क्या बात कर रहे हैं? वो जो हमने इम्पीडेंस का फॉर्मूला निकाला था, जेड बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर, राइट? और क्या फॉर्मूला हो सकता है? इम्पीडेंस का जेड बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल द होल स्क्वायर बराबर. इन फॉर्मूलेस को हम एक ट्रायंगल वाइज भी याद रख सकते हैं. करना कुछ नहीं है, आपने एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल कंसिडर करना है. इस तरह से इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल के बेस को आर मानिए, हाइपोटेन्यूज को जेड मानिए, यहां पे एक्सएल माइनस एक्सी लिखे और एक्सी माइनस एक्सएल लिखे. ये जो ट्रायंगल आप यहां बना रहे हैं, इस एंगल को आप फाई बनाए और ये आपका 90 डिग्री का ट्रायंगल. अब अगर आप इस ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं या टैन फाई लगाते हैं, तो आपको इम्पीडेंस के सारे फॉर्मूलेस इजीली मिल जाएंगे. तो अगर आप इसमें टैन फाई भी लगाते हैं तो भी आपको एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर या फिर टैन फाई एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, जैसा जो चीज आपको बड़ी वैल्यू दे वो वैल्यू आप यहां से ले सकते हैं. तो फॉर्मूलेस याद करने का टेंशन अगर आपको है तो ये इम्पीडेंस ट्रायंगल आप अपने दिमाग में रख सकते हैं. आपका फॉर्मूला याद रखने का झंझट खत्म हो जाएगा. पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, जेड का वैल्यू निकाल लो, टैन फाई लगाओ ट्रायंगल के अंदर, टैन फाई का वैल्यू निकालो. फाई क्या होता है? आपका रिजल्टेंट फेज डिफरेंस. दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं, चेक कर लीजिए. आ रही है आपको बात समझ में? क्लियर? डन है इंपीडेंस ट्रायंगल. सिर्फ वो पिछले लेक्चर में हमने ये फॉर्मूलेस निकाले थे, बस इम्पीडेंस ट्रायंगल की मदद से हम वो फॉर्मूलेस याद रख सकते. ठीक है, आगे बढ़ू? कैन आई मूव फॉरवर्ड? नो डाउट टिल नाउ? अच्छा, अब न्यूमेरिकल्स हमने स्टार्ट नहीं किए ना अभी तक से. वैसे हमारे एक दो टॉपिक्स बाकी हैं, वो करने हैं कि हम न्यूमेरिकल्स करने वाले डायरेक्टली. मैं तो कह रहा हूं एक दो टॉपिक्स बाकी हैं, उसको पहले खत्म कर देते हैं, है ना, फिर न्यूमेरिकल्स के ऊपर आ जाते हैं. ठीक है, एक दो टॉपिक्स बाकी हैं, थोड़ा खत्म कर लेते हैं. अगले टॉपिक का नाम मैं आपको समझा देता हूं. अगले टॉपिक का नाम है
एल सी, एल सी ऑसिलेशन, एकदम सिंपल, आसान और बोर्ड एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। बात को बिल्कुल ध्यान से समझ। L मतलब क्या होता है? What is L? L का मतलब होता है इंडक्टर, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है, इंडक्टर। C का मतलब क्या होता है? C का मतलब होता है कैपेसिटर, ठीक है। इंडक्टर कैसे दिखता है भाई? ऐसे दिखता है। कैपेसिटर कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है, ठीक है। ये आपका कैपेसिटर। अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि मैंने लास्ट लेक्चर में कैपेसिटर के बारे में बात की थी, सो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स वर लाइक सर कैपेसिटर क्या होता है, बराबर। अगर आपको पता ही नहीं है कि कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है, तो ये टॉपिक पढ़ के ही मतलब नहीं है। ये टॉपिक अपन फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के बाद पढ़ते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में सबसे पहले अपने को पता चलेगा कि कैपेसिटर किस बला का नाम है। कैपेसिटर के अंदर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग नाम का फिनोमेना होता है। कैपेसिटर के अंदर चार्ज किस तरह से स्टोर होता है, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी किस तरह से स्टोर होती है, इन सब चीजों के बारे में आई थिंक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ने वाले। बट अगर फिलहाल के लिए आपको बेसिक इतना भी पता है कि कैपेसिटर के अंदर हम एनर्जी स्टोर करके रख सकते हैं, यानी कि चार्ज स्टोर करके रख सकते हैं, तो भी हम ये टॉपिक थोड़ा बहुत आगे पढ़ सकते हैं। वरना ये टॉपिक सच में सिंपल है, पर अगर आपको चाहिए तो एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होने दो, उसके बाद वापस आके एक दिन में टॉपिक पढ़ लेंगे। बोलो क्या करना है? क्या करना है? कैपेसिटर के बारे में तुम्हारी कितनी जानकारी है? कैपेसिटर के बारे में तुम्हारी कितनी जानकारी है? स्टोर्स एनर्जी, बस। कैसे एनर्जी स्टोर करता है कुछ पता है? उसके अंदर चार्ज कैसे स्टोर होते हैं कुछ नहीं पता किसी को? सब लोगों से सवाल पूछ रहा हूं वैसे मैं ये। हमें पता है कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। चलो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि आप लोग को भी तकलीफ ना हो और आप लोग समझ भी जाओ। देखो सबसे सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, जब आप कैपेसिटर में चार्जिंग की बात करते हैं तो कैपेसिटर का ये जो सिंबल आप देखते हैं, इस सिंबल में ये जो दो डंडे आप यहां पे देख रहे हैं, ये दो डंडे एक्चुअली मेटल के प्लेट्स होते हैं। किस चीज के प्लेट्स होते हैं? मेटल के प्लेट्स होते हैं। इन मेटल के प्लेट्स के ऊपर अगर आपको एक प्लेट पूरी की पूरी पॉजिटिव नजर आए और दूसरी प्लेट पूरी की पूरी नेगेटिव नजर आए, तो समझ जाना कि कैपेसिटर फुली चार्ज्ड है। कैपेसिटर फुली चार्ज्ड है, ठीक है। और कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी है। क्या आप जानते हैं कि अगर कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड है और आपने ऐसे किसी कैपेसिटर को किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये कैपेसिटर उस डिवाइस को एनर्जी सप्लाई कर सकता है करंट के फॉर्म में, और वो उस डिवाइस को जब एनर्जी सप्लाई करेगा
तो वो खुद के अंदर की एनर्जी को लूज करेगा। इस प्रोसेस को आप डिस्चार्ज होना कहते हैं। अगर आपके पास पावर बैंक नाम की चीज है या आपके पास अगर मोबाइल फोन नाम की चीज है तो जो मैंने अभी समझाया ना तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। पावर बैंक को पहले आप चार्ज करते हो, पावर बैंक पहले एनर्जी खुद में स्टोर कर लेता है, फिर पावर बैंक के साथ मोबाइल कनेक्ट करो तो पावर बैंक डिस्चार्ज होता है परंतु मोबाइल फोन को वो करंट सप्लाई करता है। एज सिंपल एज दैट। अब इसके अंदर जो सवाल उठते हैं वो ये उठते हैं कि कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, उसमें एनर्जी स्टोर कैसे होती है, कैपेसिटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सब बातें मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करूंगा आप लोगों के साथ। बट क्या अभी मोटा मोटा ऊपर ऊपर आपको चीजें समझ में आ गई? कैपेसिटर को लेकर इतनी बात आप लोग के दिमाग में क्लियर है? डन डन डन, ऑल आर ओके अबाउट द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का मतलब क्या है? पावर बैंक आप दिमाग में रख सकते हैं फिलहाल? हाँ, बहुत ही बढ़िया, बस 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 बहुत ही बढ़िया। अब हम आते हैं एलसी ऑसिलेशन के पास। करना क्या है ध्यान से समझो। आपने एक इंडक्टर लेना है, ये आपने लिया एक इंडक्टर, उस इंडक्टर के साथ आपने कनेक्ट करना है एक कैपेसिटर, पर जब आप उस कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ कनेक्ट करें तब इस बात का ध्यान रखें कि कैपेसिटर फुली चार्ज होना चाहिए। आप हैं इंडक्टर यानी कि आपका नाम है L, आप हैं कैपेसिटर यानी कि आपका नाम है C। तो स्टेप नंबर वन में क्या हो गया? स्टेप नंबर वन में हो गया कि अ फुली चार्ज्ड क्या कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ द इंडक्टर। ठीक है, कैपेसिटर पहले से ही पूरा चार्ज कर लिया गया था। आपने कैपेसिटर को किसी बैटरी के साथ लगा के पूरा चार्ज कर लिया है, उसमें एनर्जी स्टोर कर लिया है। और हमें कैसे पता चला कैपेसिटर पूरा चार्ज्ड है? कैपेसिटर की एक पूरी प्लेट पॉजिटिव नजर आएगी, दूसरी पूरी प्लेट नेगेटिव नजर आएगी। और ऐसे फुली चार्ज कैपेसिटर को आप लेके आए और आप ऐसे फुली चार्ज कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ कनेक्ट करें। यह है हमारा पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू में जैसे कि आप जानते ही हैं कि कैपेसिटर क्या करना शुरू करेगा, कैपेसिटर विल स्टार्ट व्हाट सप्लाइंग करंट टू द इंडक्टर। ऑब्वियस ही बात, अगर आपने मोबाइल फोन लगाया होता तो मोबाइल फोन को दे रहा होता करंट, अभी आपने इसके साथ इंडक्टर लगा दिया तो इंडक्टर को करंट दे रहा है। इंडक्टर ने करंट मांगा नहीं है, इंडक्टर ने थोड़ी बोला कैपेसिटर को मेरे को करंट दो, पर कैपेसिटर क्या बोल रहा है? कैपेसिटर बोल रहा है देख भाई तू और मैं क्लोज्ड सर्किट में है। क्लोज्ड सर्किट का मतलब तेरे मेरे बीच में सर्किट कंप्लीट है। अगर तेरे मेरे बीच में सर्किट कंप्लीट है तो मैं तुझे करंट दूंगा। इंडक्टर ने बोला दे दे। तो कैपेसिटर ने सप्लाई करना चालू किया करंट इंडक्टर को, यानी कि कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू कर रहा है। डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर होना चालू हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे कैपेसिटर उसको एनर्जी देता जाएगा वैसे वैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जाएगा। मतलब कैपेसिटर का डिस्चार्ज होने का मतलब कैपेसिटर की एनर्जी कम हो रही है। परंतु आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी ट्रांसफर होती है। अगर कैपेसिटर में एनर्जी जो थी वो इंडक्टर के पास जा रही है तो आप ये बात
अच्छी तरह से ईएमआई चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इंडक्टर विल स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्या मैग्नेटिक फील्ड। याद है ईएमआई चैप्टर में पढ़ाया था कि इंडक्टर खुद के पास एनर्जी स्टोर करके रख सकता है किसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर करता है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। चौथे पॉइंट में, ठीक है इंडक्टर के पास वो करंट पहुंच रहा है, यानी कि इंडक्टर के पास कैपेसिटर की एनर्जी पहुंच रही है, और जब एनर्जी पहुंच रही है तो इंडक्टर उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करते जा रहा है। परंतु इंडक्टर के पास जब करंट पहुंच रहा है तो इंडक्टर एक और चीज करेगा, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडक्टर सेल्फ इंडक्शन करने में माहिर होता है। अगर आपको सेल्फ इंडक्शन याद आएगा तो सेल्फ इंडक्शन की वजह से इंडक्टर के पास एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। धीरे धीरे इंडक्टर के पास एनर्जी बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे इंडक्टर के पास ईएमएफ बनता जा रहा है, और ये कहानी तब तक चलती रहेगी जब तक कैपेसिटर अपना दम नहीं तोड़ देता। यानी कि जब तक कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा? कैपेसिटर इंडक्टर को एनर्जी देता रहेगा, वो एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता रहेगा, और वो सेल्फ इंडक्शन की मदद से खुद के पास ईएमएफ इंड्यूस करता रहेगा। ये चलता रहेगा। एक बार कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया, सिक्स्थ पॉइंट, कैपेसिटर, क्या भाई कैपेसिटर, फुली डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ? कैपेसिटर ने अपनी सारी एनर्जी इंडक्टर को दे दी। अब इंडक्टर कैपेसिटर से सवाल पूछेगा, भैया करंट क्यों नहीं आ रहा है? कैपेसिटर बोलेगा, यार अब कुछ बचा ही नहीं, सारा का सारा एनर्जी तुमको दे दिया करंट के फॉर्म में। करंट तुम्हारे पास जो आ रहा था वो हमारी एनर्जी लेके ही तो आ रहा था, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। इंडक्टर बोलेगा, भाई पर मेरे पास तो बहुत कुछ है। कैपेसिटर पूछेगा, क्या है तुम्हारे पास? इंडक्टर बोलेगा, भाई मेरे पास है इंड्यूस्ड ईएमएफ। बोला, अच्छा इंड्यूस्ड ईएमएफ विद इंडक्टर। और बोले, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ साथ मेरे पास एनर्जी भी तो है जो तुमने भेजी, एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अब कैपेसिटर इंडक्टर से सवाल पूछता है, तुम इस चीज का करोगे क्या? वो बोले, करेंगे क्या, अरे तुम भी तो हमारे साथ क्लोज सर्किट में हो। तो बोले, हाँ हम भी तुम्हारे साथ क्लोज सर्किट में हैं। तो बोले, अब हम तुमको करंट सप्लाई करेंगे, तुमने हमको करंट सप्लाई किया था, अब इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की मदद से हमारे पास पैदा होगा एक इंड्यूस्ड करंट। उसने कहा, बिल्कुल सही है, ये इंड्यूस्ड करंट हम खुद के पास थोड़ी रखेंगे, ये इंड्यूस्ड करंट हम तुमको देंगे। तो कैपेसिटर बोला, लाओ फिर दो इंड्यूस्ड करंट हमको। सो नाउ इंड्यूस्ड करंट फ्रॉम इंडक्टर इज सप्लाइड टू कैपेसिटर। तो अब इंडक्टर कैपेसिटर से सवाल पूछता है, अरे हमने तुमको करंट भेजा, तुम उसका क्या कर रहे हो? तो कैपेसिटर जवाब देगा, क्या करेंगे? कैपेसिटर बोलेगा, हम खुद को चार्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम खुद को
चार्ज कर रहे हैं। चार्ज करने का मतलब क्या होगा, क्योंकि यार तुम हमें इंड्यूस करंट भेज रहे हो ना, उस इंड्यूस करंट का हम हलवा थोड़ी डालेंगे। कैपेसिटर विल अगेन स्टार्ट चार्जिंग। अब इंडक्टर बोलेगा कि हमारे पास जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैपेसिटर के पास पहुंच रही है। कैसे, यहां पे एनर्जी कैसे स्टोर होगी? एनर्जी इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभिषेक शुक्ला, करंट को अपोज करने का मतलब क्या, उनसे करंट फ्लो नहीं होता क्या? कभी घर में बल्ब लगाया है? आपका बल्ब करंट को अपोज करता है कि नहीं करता है? करता है, तो इसका मतलब उससे करंट फ्लो नहीं होता। इसका मतलब करंट फ्लो नहीं होता क्या उसमें? होता है ना किशन, थोड़ा सब्र रखिए। इसका यूज कहाँ होगा हम आपको जरूर बताएंगे। इसका यूज आप ही करने वाले हो, आप ही यहाँ की इंडिया की यंग जनरेशन हो, आप ही इसका यूज करोगे। सर वो इंड्यूस करंट कैसे हुआ, तो वो कैपेसिटर का था ना। अबे पागल, अगर वो इंडक्टर के पास वो करंट पहुंचा और उस इंडक्टर ने सेल्फ इंडक्टेंस की मदद से ईएमएफ प्रोड्यूस किया, तो अब ईएमएफ एक इंड्यूस करंट पैदा करेगा कि नहीं करेगा? अब वो इंड्यूस करंट कहीं ना कहीं से तो फ्लो करना चाहिए। अब वो इंड्यूस करंट कहां से फ्लो करेगा? वो इंड्यूस करंट कैपेसिटर से फ्लो करेगा। बात समझ रहे हो कि बात समझ नहीं रहे हो? तुम समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? मुझे लगता नहीं कि तुम बात को समझ रहे हो। कैपेसिटर देख रहे हो यहां पे? ये कैपेसिटर दिख रहा है? कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट, कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट से करंट निकलेगा ऐसा। इस करंट को छोटा आए नहीं, बड़ा आए बोलते, बड़ा आए ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा और ऐसा, ये करंट फ्लो होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। किससे फ्लो होता रहेगा भाई ये करंट? ये करंट इस इंडक्टर से फ्लो होता रहेगा। कब तक फ्लो होगा? जब तक ये कैपेसिटर दम नहीं तोड़ देता। एक बार कैपेसिटर ने दम तोड़ दिया, ये कैपिटल आई नाम का करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। पर तुम जानते हो क्या, तब तक कैपेसिटर की सारी एनर्जी इस इंडक्टर के पास पहुंच जाएगी और यहां पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पैदा हो जाएगा। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपना इंड्यूस्ड करंट सर्किट में फ्लो करने के लिए वेट कर रहा है। पर वो क्यों फ्लो नहीं करवा रहा? कब तक फ्लो नहीं कर पाएगा? जब तक रेगुलर सप्लाई करंट का आ रहा है कैपेसिटर से। एक बार कैपेसिटर से आने वाला रेगुलर सप्लाई बंद हो जाए, फिर इंडक्टर बोलेगा अब तुम चुप बैठो, हम हमारा करंट तुमको देंगे। तो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो पैदा हुआ, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपना इंड्यूस्ड करंट भेजेगा। पर तुम जानते हो क्या, इंड्यूस्ड करंट जो भेजेगा वो कैसे भेजेगा? ऐसे भेजेगा, ये देखो ऐसे। ये होगा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। समझ रहे हो? दिख रहा है? क्या तुम्हें इस बात का पता चल रहा है? इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन तुम्हारे ओरिजिनल करंट के ऑपोजिट जाएगा, क्योंकि यही तो इंड्यूस्ड करंट का कमाल है। इंड्यूस्ड करंट अपने आप में एक ऐसी चीज है जो चीज उसको पैदा करती है, वो पैदा होने के बाद उसी को अपोज मारता है, लेंसेज लॉ। तो अगर तुम्हारे कैपेसिटर से आने वाला करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था, तो इंड्यूस्ड करंट पैदा होने के बाद बोलेगा हम क्लॉकवाइज जाएंगे, क्योंकि हमें जिस करंट ने पैदा किया है हम उस करंट को अपोज करते हैं, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो अब इंड्यूस्ड करंट जब कैपेसिटर से फ्लो होगा, इंड्यूस्ड करंट जब कैपेसिटर से फ्लो होगा, तो कैपेसिटर चार्जिंग करना चालू हो जाएगा। बात को ध्यान से समझिए,
इंड्यूस्ड करंट अब कैपेसिटर से फ्लो करना शुरू करेगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा कि नहीं होगा, ऐसा समझो यहाँ पे पावर बैंक लगा हुआ है तो ये पावर बैंक में अगर इंड्यूस्ड करंट डालते रहोगे तो पावर बैंक चार्ज होगा कि नहीं होगा। कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है कि इंड्यूस्ड करंट कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है। हा या ना, हाउ मेनी पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दिस? पक्का कोई डाउट पूछना चाहता है? अच्छा एक बात बताओ सर, ऐसे तो कैपेसिटर कभी दम नहीं तोड़ेगा। अरे यही यही तो मुद्दा है, अभिषेक का सवाल है सर, कैपेसिटर करंट सेंड कर रहा है, कैपेसिटर करंट क्या कर रहा है अभिषेक? सेंड कर रहा है, बिल्कुल सही, सेंड कर रहा है इंडक्टर को, तो इंडक्टर में करंट जाएगा ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे आएगा? अबे इंडक्टर से अगर करंट जा रहा है तो इंडक्टर सेल्फ इंडक्टेंस करेगा कि नहीं करेगा? सेल्फ इंडक्टेंस टॉपिक हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सेल्फ इंडक्टेंस टॉपिक पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सेल्फ इंडक्टेंस में अगर किसी इंडक्टर से अगर आप करंट पास करते हो तो सेल्फ इंडक्टेंस में ईएमएफ पैदा होता है कि नहीं होता है? इस सवाल का पहले जवाब दे दो। सेल्फ इंडक्टेंस में इंडक्टर के थ्रू ईएमएफ पैदा होता है कि नहीं होता? तो अभी भाई इस इंडक्टर में ईएमएफ पैदा नहीं होगा क्या अगर इससे करंट पास हो रहा है तो? बोलो मुझे ये बात, होता है कि नहीं होता है अभिषेक? बस उसी ईएमएफ की तो, उसी ईएमएफ का तो इंतजार है। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ चुप बैठने वाला है क्या? वो इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेगा भाई मेरे पास इंड्यूस्ड करंट है, पर इंड्यूस्ड करंट कब तक एक्शन में नहीं आएगा? जब तक कैपेसिटर दम नहीं तोड़ देता। एक बार कैपेसिटर ने दम तोड़ दिया, इंड्यूस्ड करंट फ्रॉम द इंडक्टर इज सप्लाइड टू कैपेसिटर, द कैपेसिटर विल अगेन स्टार्ट चार्जिंग एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर क्या होगा तुम्हें पता है? एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हारा कैपेसिटर क्या हो जाएगा? फुली चार्ज्ड हो जाएगा। और तुम जानते हो इंडक्टर के पास जो एनर्जी थी, इंडक्टर के पास जो एनर्जी थी वो पूरी की पूरी हो जाएगी खत्म, क्योंकि वो पूरी की पूरी एनर्जी सप्लाई हो चुकी है किसको? कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। अब तुम जानते हो इसके बाद क्या होगा? इंडक्टर ने दम तोड़ दिया, यहां पे आप किसने दम तोड़ दिया? इंडक्टर ने दम तोड़ दिया। इसके पहले किसने दम तोड़ा था? कैपेसिटर ने दम तोड़ा था। और जब कैपेसिटर ने दम तोड़ा था, तब इंडक्टर फॉर्म में आया था। अब इंडक्टर ने दम तोड़ दिया, अब कैपेसिटर फॉर्म में आ गया। अब तुम्हें क्या उम्मीद है? अब क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलो, अब क्या होगा? यहां से आगे क्या होगा? बैक टू पॉइंट वन। अब कैपेसिटर इंडक्टर को क्या बोलेगा? अरे तुमने दम तोड़ दिया, अब हम तुम्हें करंट सप्लाई करेंगे। तो इंडक्टर बोले लाओ फिर। और ये चीज जिंदगी भर चलती रहेगी, ये चीज जिंदगी भर चलती रहेगी। तुम इसको चार्ज करो, वो तुम्हें चार्ज करेगा, बस यही कहानी है, यही प्रोसेस अपने आप को रिपीट करेगा। तो मेरा कहना क्या है पता है क्या? अपन एक काम करते, इधर इंडक्टर है ना और इधर कैपेसिटर है, बराबर है ना? तुम लोग खेलते बैठो ना, मैं इधर लगा रहा हूं एक टीवी, ये है मेरा टीवी, बराबर है ना? ये है ना अभिषेक शुक्ला, थोड़ा सब्र। द मोर इम्पेशेंट यू विल बी द लेस यू विल अंडरस्टैंड, मार्क माय वर्ड्स, डोंट बी इम्पेशेंट। इम्पेशेंस लीड्स टू कंफ्यूजन एंड कंफ्यूजन लीड्स टू नॉट अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। वेट, आई नो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या डाउट कब कब आएगा, मैं सब जानता हूं, आराम से मेरी बात सुन के लो। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो ठीक है, कंक्लूजन सब बताऊंगा, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, वी हैवंट कंक्लूडेड द टॉपिक, लेट मी एक्सप्लेन यू, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग।
मैंने आपसे ये कहा ये है इंडक्टर, ये है कैपेसिटर। अगर तुम्हें स्टोरी याद है तो तुमने एक बार कैपेसिटर को पूरा का पूरा चार्ज करके तुमने यहां पे लगा दिया, एक बार तुमने उसको चार्ज किया था, याद है? स्टार्टिंग में जब तुमने कैपेसिटर को यहां पे मैदान में उतारा, तब तुमने कैपेसिटर को फुली चार्ज करके मैदान में उतारा। यह बात कितने लोग को समझ में आई? जब कैपेसिटर को मैदान में उतारा था तो उसको फुली चार्ज करके मैदान में उतारा था कि नहीं उतारा था? हाँ या ना? हाँ उतारा था। उसके बाद मैं तुमसे क्या सवाल पूछ रहा हूं, मेरा ध्यान बिल्कुल अच्छी तरह से सुनना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कैपेसिटर ने इंडक्टर को करंट दिया और फिर उसके बाद इंडक्टर ने कैपेसिटर को करंट दिया। ये जिंदगी भर चलने वाला है ना, ये तो जिंदगी भर चलने वाला है। पर यहां पे मेरा फायदा हो रहा है ना, एक बार करंट एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, एक बार करंट क्लॉकवाइज में जा रहा है, दिख रहा है? जब कैपेसिटर इंडक्टर को करंट देता है तब एंटी क्लॉकवाइज में करंट जाता है, और जब इंडक्टर कैपेसिटर को करंट देता है तब क्लॉकवाइज में करंट जाता है। तुम जानते हो क्या, अगर करंट कभी एंटी क्लॉकवाइज कभी क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो ये कौन सा करंट बन जाता है? तुम जानते हो? पढ़ा है कुछ कभी जिंदगी में? हैव यू हर्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड एज एसी? सुना है कभी एसी के बारे में? एसी का ग्राफ देखे हो कभी जिंदगी में? एसी का ग्राफ देखे हो? ये है ना एसी का ग्राफ। व्हाट डज द एसी का ग्राफ मींस? याद है, पास आ रहे हैं आने नहीं देता, दूर जा रहे हैं जाने नहीं देता, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज एसी, बराबर है कि नहीं? मेरा सवाल तुम लोगों से है कि अगर मैंने यहां पे टीवी लगा दी तो तुम्हें क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं टीवी को जिंदगी भर बिना लाइट के चला सकता हूं, एक्सटर्नल पावर सप्लाई दिए बिना चला सकता हूं, क्योंकि जिंदगी भर मेरे टीवी से एसी पास होता रहेगा। एक बार कैपेसिटर इसको चार्ज करने की कोशिश करेगा, इंडक्टर उसको चार्ज करने की कोशिश करेगा। क्या बोलते हो, बात पसंद आई कि नहीं आई? ये बात वैलिड है कि नहीं है? क्या लगता है तुमको, ये टीवी चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? एसी सप्लाई हो रहा है। अगर टीवी चलेगा तो तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर मैं लाइट बिल किस खुशी में भर रहा हूं, किस खुशी में भर रहा हूं? आएगा कि नहीं आएगा सवाल? आएगा ना? मैं लाइट बिल किस खुशी में भर रहा हूं, ये सवाल आएगा कि नहीं आएगा? राइट? मैं तो सर फिर मैं तो घर में इंडक्टर और कैपेसिटर लेके घूमता हूं। फिर तो एक टीवी के साथ लगा दिया, एक फैन के साथ लगा दिया, एक ट्यूबलाइट के साथ लगा दिया, तू इसको चार्ज कर वो तेरे को चार्ज करेगा, इस चक्कर में अपना टीवी भी चलता रहेगा। क्या लगता तुमको? ऐसा नहीं होता क्लास, ऐसा नहीं होता। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर ऐसा होता तो आप लाइट बिल नहीं भर रहे होते। कृपया करके एक बात समझे, जो चीज यहां पे सबसे घटिया चीज है उसको बोला जाता है एनर्जी का लॉस, जिसको आप रोक नहीं सकते। एनर्जी का लॉस वायर से हो सकता है, एनर्जी का लॉस हीट के फॉर्म में हो सकता है, एनर्जी का लॉस आपकी टीवी चलाने के लिए हो सकता है, एनर्जी का लॉस आपका बल्ब चलाने के लिए हो सकता है। इन सब चीजों में आपके एनर्जी का लॉस होता है। सबसे बड़ा लॉस है ये वाला लॉस, हीट लॉस। अगर सबसे पहले आपने कैपेसिटर को 100% चार्ज करके वहां पे कनेक्ट किया था, तो जब वो इंडक्टर को अपनी एनर्जी देगा तो हो सकता है सिर्फ 90% ही एनर्जी इंडक्टर के पास जाए और 10% एनर्जी लॉस हो जाए। ये कैपेसिटर ने इंडक्टर को अपनी एनर्जी दी,
फिर जब इंडक्टर वापस कैपेसिटर को अपनी एनर्जी देगा, हो सकता है सिर्फ 80% एनर्जी ही दे पाए, वापस 10% का लॉस हो जाए। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं, अनुमान लगा रहा हूं, रियलिटी में इससे ज्यादा एनर्जी लॉस होता है, सिर्फ एक अनुमान लगा रहा हूं। तो क्लास अगर 15-20 साइकिल गुजर जाए तो उसके बाद तो एनर्जी टोटली कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर एज अ यंग जनरेशन आप इस लॉस के ऊपर काबू पा सके तो ये चीज फ्यूचर में आपको अनलिमिटेड पावर दे सकती है, जिसका आज तक कोई इलाज नहीं निकला। इलाज है, एक इलाज है जिसको बोला जाता है सुपर कंडक्टर्स, सुना भी होगा आपने इसका नाम। पर सुपर कंडक्टर का डिसएडवांटेज ये है कि वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे काम करते हैं। सुपर कंडक्टर हीट लॉस नहीं देते, पर इतने लो टेम्परेचर पे कोई इंसान जीवित रह ही नहीं सकता। सो क्लास, दिस टॉपिक ओनली टेल्स यू दैट यू कैन प्रिपेयर अ एसी। That's why the name is LC oscillation. Why the topic name is LC oscillation? Because you are talking about AC. AC oscillate करता है positive और negative के अंदर। पर ultimately ये चीज ज्यादा देर तक नहीं चलेगी और energy loss होने की वजह से ultimately सब कुछ ठप पड़ जाएगा। कितने लोगों को कहानी अब समझ में आई? जो लोग ये पूछ रहे थे कि इसका यूज कहाँ है, जो लोग ये पूछ रहे थे कि इसका कंक्लूजन क्या है टॉपिक का, क्या आपको कंक्लूजन यूज कुछ समझ में आ रहा है, कुछ दिमाग में बत्ती बत्ती जलती है, कुछ हाया ना होता है, क्लियर है? अब किसी के दिमाग में कोई डाउट है, अब किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। कैपेसिटर इंडक्टर को चार्ज करता है, इंडक्टर कैपेसिटर को चार्ज करता है, बट इस कहानी में एनर्जी लॉस अगर बचा लोगे तो ये अनगिनत पावर सप्लाई देगा, पर ऐसा होने वाला है नहीं। डन डनाडन। कैन आई मूव फॉरवर्ड? अभिषेक शुक्ला, कंक्लूजन मिला? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। खुशी सिंह, मैंने आपको पहले ही कहा ये कोई डेली यूज का एग्जाम्पल नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं जो आप घर में वापरते हो। आ रही आपको बात समझ में? नहीं फराज, ऐसा नहीं होगा, मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में समझाऊंगा। I'll teach you that in electrostatics, that how the capacitor is charged. तो उसके कौन से प्लेट पे कौन सा चार्ज आता है वो पूरा electrostatics में समझाऊंगा। Capacitor एक खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और अच्छे अच्छे लोगों को वो दिमाग के नीचे उतरता नहीं है, तो वो मैं अलग से आपको अभी मैं कैपेसिटर के बारे में थोड़ा कुछ बता के उसको खिंचड़ा नहीं करना चाहता। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा तो एकदम क्लियर कट पढ़ाऊंगा कि कैपेसिटर चार्जिंग कैसा करता है और डिस्चार्जिंग कैसा करता है, ठीक है। यस, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक के फॉर्म में होती है, बिकॉज वहां चार्जेस होते हैं, एनर्जी पूरी लॉस हो जाती है, रियल लाइफ में उसका यूज नहीं होता। ऑब्वियसली पूरी एनर्जी लॉस हो जाती है। बहुत ही बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अगला टॉपिक है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। विजय यादव, वही तो आपको करना है। मैंने आपको हिंट भी दिया सुपर कंडक्टर्स के बारे में, अगर आपने सुपर कंडक्टर्स कभी सुना है तो लग जाओ काम पे। यही चीज आपको साइंटिस्ट बनाएगा, अगर कोई प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर देते हो बस काम खत्म। बढ़िया, चलिए अगला टॉपिक ध्यान से समझना। अगले टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक
रेजोनेंस। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। बहुत ही बढ़िया टॉपिक, इसलिए ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है? देखिए, पहले मैं आपको कुछ चीजें एक एग्जाम्पल के मायने में समझाता हूं, तब जाके आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक रेजोनेंस जैसा टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों है, ठीक है? सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। देखिए क्लास, एक बात आप मेरे बारे में नोटिस करिए, जहां पे एग्जाम्पल्स बनते हैं मैं पक्का देता हूं, पर जहां एग्जाम्पल्स बनते ही नहीं है वहां कुछ है ही नहीं, तो मैं नहीं दे सकता। ऐसा बना के भी नहीं दे सकता कि भाई कहीं ना कहीं से कुछ जुड़ा बिड़ा के तुम्हें समझा दिया ऐसे ही पागल बनाने के लिए। रहेगा रियल लाइफ ओरिएंटेड एग्जाम्पल्स रहेंगे, मैं पक्का दूंगा। जैसे इलेक्ट्रिक रेजोनेंस जैसे टॉपिक में है, खतरनाक वाले रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है। तैयार हो जाइए, टॉपिक पहले बाद में समझेंगे, पहले मैं कुछ डेली लाइफ की बातें कर लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर वन, हम इस फीचर का, खतरनाक वाला एग्जाम्पल है, हम इस फीचर का बहुत डेली लाइफ में बहुत इस्तेमाल करते हैं, कॉल ब्लॉक। सुने हो ऐसा फीचर? किया है कभी कॉल ब्लॉक? आधे से ज्यादा इंडिया तो ट्रू कॉलर यूज करता है, आधे से ज्यादा इंडिया तो ट्रू कॉलर यूज करता है। एक ऐप है ट्रू कॉलर, राइट, जिस ऐप की मदद से आप आने वाले बकवास कॉलर्स को आप ब्लॉक कर सकते, बराबर। अगर आप ट्रू कॉलर यूज भी नहीं करते तो कुछ कुछ सैमसंग के मोबाइल्स में ऑटोमेटिक फीचर होता है उनके अंदर, आप एक नंबर को ब्लॉक में डाल सकते हो, तो जैसे उस नंबर से कॉल आएगा ऑटोमेटिकली वो नंबर का कॉल कट हो जाएगा, बराबर। इतनी बात सब लोग ने सुनी है, कॉल ब्लॉक का मतलब समझ में आता है सब लोगों? एवरीबडी अंडरस्टैंड वॉट कॉल ब्लॉक इज, बराबर है? सबके दिमाग में बात उतरती है, ठीक है? हाँ, सबसे पहला सवाल कि कॉल ब्लॉक होता कैसे? सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आपको रखनी है वो ये है कि जो एक मोबाइल नंबर होता है वो आपके लिए एक नंबर है, बट मोबाइल कंपनीज के लिए वो एक फ्रीक्वेंसी है। कोई भी नंबर मोबाइल कंपनीज के लिए वो एक फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले तो एज अ फिजिक्स स्टूडेंट आप ये बोलना बंद कर दो कि आपने किसी नंबर को ब्लॉक किया। एक्चुअली आपने किसी नंबर को ब्लॉक नहीं किया, आपने एक्चुअली किसी फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक किया। सवाल ये उठता है कि आप इस फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कैसे कर पाए? आपने उस नंबर पे क्लिक किया, ब्लॉक कर दिया, खत्म हो गया कहानी। उसके पीछे क्या हुआ? ऐसा पॉइंट नंबर टू ये है कि जब भी वो मोबाइल नंबर से, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी से आपके मोबाइल पे कॉल आता है तो एक रिंग बचता है, उसके बाद वो कॉल यानी कि वो फ्रीक्वेंसी ऑटोमैटिकली क्या हो जाती है? कट हो जाती है, यानी कि कैंसल हो जाती है। इस मुद्दे पे ध्यान दें, एक रिंग बजने के बाद कॉल कट होता है। कितने लोगों ने नोटिस किया? रे बाबा, कोई ऐसा कॉल ब्लॉकिंग फीचर है बिना रिंग बजे कॉल कट जावे? बताओ मेरे को, कितने लोगों के दिमाग में बात है कि एक रिंग बजने के बाद ही कॉल कटता है? ट्रू कॉलर से ब्लॉक करके देख लो, किसी से भी ब्लॉक करके देख लो, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? एक रिंग बजने के बाद कॉल कट होता है। सवाल यह है क्यों? एक रिंग बजने के बाद कॉल क्यों कट होता है? ऐसा क्यों? सामने वाले इंसान को भी एक रिंग बजी हुई सुनाई देती है, कट हो जाता है। पूरा कमाल इस टॉपिक में छुपा हुआ है, रेजोनेंस। एग्जाम्पल नंबर टू,
एग्जाम्पल नंबर टू इज रेडियो. रेडियो में हम गाने सुनते हैं, बराबर. जैसे कि चैनल्स होते हैं 93.5 या फिर 95.4, आई डोंट नो द चैनल्स नेम, 98.6, 105, कुछ तो फीवर एफएम कुछ तो है, पता नहीं शायद, है ना. ये सारे के सारे रेडियो चैनल्स है. बस चालू हो गए लोग रेडियो मिर्ची विर्ची सब. रेडियो मिर्ची सबका फेवरेट है क्या? 91.1 भी है क्या? 15-20 लोग रेडियो मिर्ची. मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश रहते क्या? ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ये सब क्या है? ये रेडियो चैनल्स की फ्रीक्वेंसी है. ये रेडियो चैनल्स की फ्रीक्वेंसी है. सर कम नंबर क्यों नहीं? कम नंबर मतलब विजय, कम नंबर मतलब 12? नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट ने छोड़ो, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो 90 हर्ट्ज से लेके 110 हर्ट्ज के बीच में ही होती है, ठीक है. जो रेडियो चैनल्स की फ्रीक्वेंसी गवर्नमेंट ने अलॉट की है वो 90 हर्ट्ज से 110 हर्ट्ज के बीच में ही होती है, इसलिए तुम्हें सारे रेडियो चैनल उसी के बीच में मिलता है, ठीक है. हाँ ठीक है. अब मैं क्या सवाल पूछ रहा था, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये रेडियो चैनल्स की फ्रीक्वेंसी. रेडियो चैनल्स की फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? कल को तुम और मैं उठ के आए, हमने गवर्नमेंट को बोला अपन को रेडियो चैनल ओपन करने का है, तो गवर्नमेंट ने पूछा तुम रेडियो चैनल क्यों ओपन करना चाहते हो? तो बोले हम रेडियो चैनल पे फिजिक्स पढ़ाएंगे. बोले कैसे पढ़ाएंगे? बोले हम रेडियो चैनल पे फिजिक्स पढ़ाएंगे, जैसे लोग रेडियो चैनल पे गाना सुनाते हैं, बातचीत करते हैं, वैसे हम रेडियो चैनल पे 24 घंटा फिजिक्स पढ़ाएंगे, अलग अलग लोग फिजिक्स पढ़ाएंगे. बोले ठीक है, तुमको चैनल दिया. बोले चैनल कितना दिया? बोले गवर्नमेंट बोले तुमको दिया 109 चैनल दिया, तुमको 109 हर्ट्ज वाला चैनल तुमको दिया. तो अब हम क्या करेंगे? हमने इस फ्रीक्वेंसी पे जाके ब्रॉडकास्ट करना है. ब्रॉडकास्ट करने का मतलब क्या होता है? तुम जो भी बकवास करना चाहते हो तुम इस फ्रीक्वेंसी पे बकवास करोगे. अब तुम सोचोगे सर कैसे बकवास करेंगे? मोबाइल नंबर पे बकवास करते हो ना, सामने वाले का मोबाइल नंबर डायल करते हो अपने मोबाइल से और उस मोबाइल नंबर पे कॉल करके बकवास करते हो, उसी तरह से 109 हर्ट्ज पे तुम्हें बकवास करनी है. एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से अपन ये ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं. तो तुम जब इसके ऊपर ब्रॉडकास्ट करोगे, दुनिया का कोई भी इंसान अगर अपने रेडियो पे आके 109 हर्ट्ज लगा देवे, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड, योर रेडियो इज ट्यून्ड. द वर्ड इज ट्यूनिंग. पहले रेडियो के बाजू में एक नॉब होता था, इसको घुमा घुमा के अपन रेडियो को ट्यून करते थे और जिस चैनल पे गाना बजा वहां पे रेडियो को लाके रोक देते थे. अभी मोबाइल में अगर रेडियो बजाते तो ऑटो ट्यून का फीचर आता है, कार में रेडियो बजाते हो तो ऑटो ट्यून का फीचर आता है. 1, 2, 3, 4 कार में नंबर दिए होते हैं, 1 दबाओगे पहला चैनल, 2 दबाओगे दूसरा चैनल. तो अगर आपने 109 हर्ट्ज यानी कि तुम्हारे रेडियो की फ्रीक्वेंसी, तुम्हारे रेडियो डिवाइस की फ्रीक्वेंसी अगर 109 हर्ट्ज हो जाए, तो इस 109 हर्ट्ज पे जो ब्रॉडकास्ट हुआ है सब तुम्हें सुनाई देगा. वो लोग रेडियो मिर्ची वाले 93.5 या जो भी उनका चैनल, उस पे गाने बजाते रहते. तुमने अगर अपने रेडियो के डिवाइस पे 93.5 हर्ट्ज को लॉगिन कर दिया, तुम्हारा अगर रेडियो 93.5 हर्ट्ज को पकड़ने के लिए तैयार हो गया, पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए तैयार हो गया, तो 93.5 पे जो भी गाना बज रहा है तुमको सुनाई देगा. बट द क्वेश्चन इज, रेडियो को कैसे समझता है कि यही फ्रीक्वेंसी है जिस पे गाना बज रहा है? रेडियो को तुम्हारे लिए एज अ ह्यूमन बीइंग, तुम्हारे लिए खाली नॉब को घुमाना है, तुम्हारे लिए खाली बटन को दबाना है, तुम तो एज अ ह्यूमन बीइंग्स कर रहे हो ना. पर रेडियो डिवाइस कैसे डिटेक्ट करता है ये सब चीजें?
अगर समझो ऑटो ट्यून का फ्यूचर लगा दिया, ऑटो ट्यून का मतलब क्या होता है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, रेडियो ऑटोमेटिकली वो चैनल पिकअप कर लेगा जहां गाना बजता है, इसको ऑटो ट्यून बोलते हैं। रेडियो को कैसे पता चला, क्या रेडियो को समझता है कि यहां पे गाना बज रहा है तो यहां आके रुकना चाहिए, वो क्या ह्यूमन बीइंग है क्या? पूरी कहानी यहां छुपी हुई है। ये दो एग्जांपल्स अपने आप में रेजोनेंस जैसे टॉपिक को समझाने के लिए केपेबल है। रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमेना है जो इन दोनों एग्जांपल्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा सकता है। पर फिलहाल क्या ये दो एग्जांपल्स आपको समझ में आए, पहला वाला कॉल ब्लॉक वाला और दूसरे वाला रेडियो जो फ्रीक्वेंसी कैच करता है, क्या आपको ये दो बातें समझ में आई? क्या इन दोनों बातों में डाउट क्या है वो समझ में आया? कॉल ब्लॉक कैसे होता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी कैसे कैच करता है? डाउट सबके दिमाग में क्लियर है क्या? एवरीबडी इज ओके विद द डाउट? बहुत ही बढ़िया, ध्यान से बात को समझो। हम एक सर्किट बनाते हैं जिसको बोला जाता है सीरीज रेजोनेंस सर्किट। हम एक और सर्किट बनाते हैं जिसको बोला जाता है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। इन दो सर्किट की मदद से हम ये कार्यक्रम कर पाते हैं। सीरीज रेजोनेंस सर्किट में आपके पास होता है एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टर, और इन तीनों को आप सर्किट में कनेक्ट करें एक ईएमएफ के साथ। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में आपके पास सिर्फ इसमें से दो लोग होते हैं, एक होता है सिर्फ इंडक्टर इन पैरेलल विद अ कैपेसिटर, इंडक्टर इन पैरेलल विद अ कैपेसिटर, और आप इन दोनों को कनेक्ट करते हैं एक ईएमएफ के साथ। ये दोनों सर्किट्स हमें ऊपर के दिए हुए कार्यक्रम अचीव करने में मदद करते हैं। मैंने पहले ही आपसे कहा, आपके मोबाइल को कैसे समझता है कि वो यही नंबर है जिसको ब्लॉक करना? आपके मोबाइल कैसे पता चला ये जो कॉल आया है यही वो नंबर है जिसको ब्लॉक करना? आपके रेडियो कैसे पता चला यही वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे गाना बज रहा है? ये सारे कार्यक्रम इन दोनों सर्किट के मदद से किए जाते हैं। मतलब आपके मोबाइल फोन के अंदर, आपके रेडियो के अंदर एक सीरीज रेजोनेंस सर्किट यानी कि एलसीआर सीरीज में और एक पैरेलल रेजोनेंस सर्किट यानी कि एल और सी पैरेलल में आपके मोबाइल फोन्स, आपके रेडियो, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको ये दोनों सर्किट्स जरूर मिलेंगे। पर सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, ये रेजोनेंस रेजोनेंस नाम का वर्ड क्या है? व्हाई यू आर ऑलवेज कॉलिंग इट एज अ रेजोनेंस रेजोनेंस रेजोनेंस? इस रेजोनेंस वर्ड का मतलब पहले बताइए। ये जो वर्ड आप यहां देख रहे हो रेजोनेंस, इसका एक्चुअल में मतलब है जब आपकी कोई फ्रीक्वेंसी किसी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाए, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मैचिंग। अगर कोई फ्रीक्वेंसी किसी के साथ मैच हो जाए उस चीज को बोला जाता है रेजोनेंस। अब आप बोलोगे सर फ्रीक्वेंसी मैचिंग का और आपके दिए हुए एग्जांपल्स का क्या लेना देना है? बहुत ज्यादा लेना देना है। इमेजिन करो
आपने अपने मोबाइल के, ये आपके मोबाइल का स्क्रीन है, आपने यहां पे पहला नंबर ब्लॉक किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि दिस इज योर फ्रीक्वेंसी नंबर वन, फ्रीक्वेंसी नंबर टू, फ्रीक्वेंसी नंबर थ्री एंड फ्रीक्वेंसी नंबर फोर। अब समझो, ऐसा इमेजिन करो कि फ्रीक्वेंसी नंबर थ्री से आपको मोबाइल पे कॉल आया, तो आपके मोबाइल ने क्या किया, आपके मोबाइल ने फ्रीक्वेंसी मैचिंग किया। फ्रीक्वेंसी मैचिंग मतलब जब भी कोई मोबाइल नंबर से आपके मोबाइल पे कॉल आता है, आपका मोबाइल इस ब्लॉक लिस्ट में जाता है, इस ब्लॉक लिस्ट के सारी फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी को, यानी कि इनकमिंग फ्रीक्वेंसी को इस लिस्ट के साथ मैच करता है, और अगर इनकमिंग फ्रीक्वेंसी इस लिस्ट में किसी के साथ भी मैच हो गई तो सीधा कॉल कट हो जाता है। तो यहां पे ये जो फ्रीक्वेंसी मैचिंग आपने किया, इसी को आप रेजोनेंस कहते हो। अगर फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो आप बोलोगे रेजोनेंस अचीव हो गया। ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल में आपको बताया। सेकंड एग्जांपल में मैंने आपको क्या दिया, रेडियो का एग्जांपल दिया। रेडियो के सर्किट के अंदर भी उन सारे फ्रीक्वेंसीज को स्टोर करके रखा जाता है जिस जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारा काम चलता है। एक्चुअली साइराज ने मुझे याद दिलाया, साइराज एब्सोल्युटली करेक्ट, साइराज ने मुझे ये जवाब का, मैं भूल गया आपको बताना। साइराज कहते हैं कि सर मतलब फर्स्ट रिंग इसलिए बचती है क्योंकि वो फर्स्ट रिंग में हम चेकिंग करते हैं। क्या मैंने आपको पहले कहा था एक रिंग बजने के बाद कटता है? आप जानते हैं ये एक रिंग बजना क्यों जरूरी है, क्यों एक रिंग बजना जरूरी है? बिना रिंग बजे कॉल क्यों नहीं कट हो सकता? क्योंकि मैचिंग के लिए एक रिंग बजना जरूरी है ना। मोबाइल पे जब तक वो फ्रीक्वेंसी हिट नहीं करती, वी यूज द वर्ड हिट, हिट का मतलब जब तक ये फ्रीक्वेंसी आके तुम्हारे मोबाइल को हिट नहीं करती, तब तक फ्रीक्वेंसी मैचिंग नहीं होगा, तब तक रेजोनेंस नहीं होगा और तब तक कॉल कट नहीं होगा। रेडियो में भी सारी फ्रीक्वेंसीज आके तुम्हारे इसको हिट कर रही है। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, हवा में सारी फ्रीक्वेंसीज मौजूद है। तुमने तुम्हारे रेडियो को जब F1 नाम की फ्रीक्वेंसी पे रखा तो F1 नाम की फ्रीक्वेंसी हवा में, अगर F1, F2, F3 है तो F1 पे तुम्हारा रेडियो है, अगर हवा में F1 फ्रीक्वेंसी है तो मैच हो जाती है। अगर तुमने तुम्हारे रेडियो को F3 पे रखा और अगर हवा में F3 मौजूद है तो मैच हो जाता है। पर अगर तुमने तुम्हारे रेडियो को F5 नाम की फ्रीक्वेंसी पे रखा और F5 नाम का कोई चैनल ही नहीं है तो तुम्हारा रेडियो खरखर खरखर बजता रहेगा। रेडियो को समझता है फ्रीक्वेंसी मैचिंग करने के बाद कि मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी स्टोर्ड है, हवा में ये फ्रीक्वेंसी है, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी हवा वाली फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो गया यानी कि रेजोनेंस आ गया, और अगर रेजोनेंस आ गया भाई पक्का वहां पर गाना बज रहा है। रेडियो रेजोनेंस कंडीशन आने का वेट करता है, तुम्हारा मोबाइल रेजोनेंस कंडीशन का वेट करता है, और ये रेजोनेंस कंडीशन जो है फ्रीक्वेंसी मैचिंग कंडीशन हासिल करने में कौन मदद करता है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। ये वो दोनों सर्किट्स हैं जो तुम्हारी मदद करते हैं फ्रीक्वेंसी मैचिंग करने के लिए। अब सवाल वापस उठता है, ये दोनों सर्किट्स कैसे मदद करते हैं? देखो सवाल के बाद सवाल और ऐसे ही आप सीखोगे, एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक साथ पूरा घटकने की कोशिश करोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी तक से तुम्हारे दिमाग में क्या सवाल था, अभी तक से तुम्हारे दिमाग में सवाल था कि ये रेजोनेंस होता क्या है। तो मैंने तुम्हें दो एग्जाम्पल दिए, एक कॉल ब्लॉक का, एक रेडियो का। उसके बाद मैं तुम्हें लेके गया कि रेजोनेंस क्या होता है। जैसे ही तुम्हें रेजोनेंस समझ में आया होगा कि फ्रीक्वेंसी मैचिंग होती है तो अच्छा इसलिए कॉल कट होता है, फ्रीक्वेंसी मैचिंग होती है इसलिए अच्छा गाना बजता है, तो अब जब मैंने तुम्हें यह कहा कि ये दोनों सर्किट्स इस कार्यक्रम में मदद करते हैं तो लगेज तुम्हारे दिमाग में डाउट क्या आएगा, कैसे ये दोनों सर्किट्स ऐसा कैसे कर पाते, आया कि नहीं आया?
पर अगर तुम्हारे दिमाग में डाउट आया तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अभी तक से मैंने क्या कहा, कितने लोग को समझ में आ रहा है? How many people are understanding till now whatever I've said? Are you understanding the importance of resonance? Are you understanding the importance of resonance? You know, there might be some students who can say, कि सर मैंने आज तक किसी कॉल को ब्लॉक नहीं किया, मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है ब्लॉक करने के लिए। सर मैंने तो आज तक रेडियो भी नहीं सुना। हो सकता है कि आप ऐसे चीजें बोले। तो रेजोनेंस आपके डे टू डे लाइफ में भी होता है, डे टू डे लाइफ में भी रेजोनेंस होता है। एग्जाम्पल नंबर 3, प्लीज इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह से लेके कंफ्यूज मत होना। अगर इस एग्जाम्पल को तुम्हें कंफ्यूज तो होगे नहीं, पर मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूं। सपोज करो यहां पे स्पीकर रखा हुआ है, ये आपका स्पीकर है। कैसे चेंज हो गया अभिषेक? 93.5 वाले 93.5 पे ही गाना बजा रहे हैं ना, कि वो किसी और फ्रीक्वेंसी पे गाना बजा रहे हैं? हाँ, ऐसा है कि 93.5 वाले आज 93.5 पे बजा रहे हैं, कल बोलेंगे नहीं नहीं हम लोग एयर में फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगी? हाउ वुड द फ्रीक्वेंसी चेंज इन एयर? दीज आर हाई फ्रीक्वेंसीज, रेडियो वेव्स, दे कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, इसलिए तो ब्रॉडकास्ट हो रहा है। लद्दाख में बैठ के भी लोग रेडियो सुनते हैं। यस, मैं ये कह रहा था ये स्पीकर है। क्या है ये? स्पीकर। ठीक है, समझो स्पीकर में ना कोई गाना बज रहा है, स्पीकर में गाना बज रहा है, ठीक है, या स्पीकर में गाना नहीं भी बज रहा है, स्पीकर बस ऑन है, टर्न्ड ऑन है, गाना नहीं बज रहा है, टर्न्ड ऑन है। स्पीकर के बाजू में एक मोबाइल रखो, सादा मोबाइल रखो, सादा टच स्क्रीन वाला भी नहीं, सादा मोबाइल रखो, ठीक है। अब क्या करो, इस मोबाइल पे कोई मैसेज या कॉल आने का वेट करो। तुम्हें पता है क्या, इस मोबाइल पे मैसेज या कॉल आने के पहले ये स्पीकर या का करना शुरू कर देता है? यकीन नहीं आता, करके देखो। कोई कोई है, कोई है बालक या बालिका जिसने ये कभी ना कभी महसूस किया होगा? है? अपने टीवी के पास रख लो, टीवी के पास मोबाइल रख लो, पुरानी वाली अगर टीवी है, नई वाली टीवी के पास मत रखना। एलसीडी या एलईडीज में ये कम होता है, बिकॉज उनमें उनमें ऐसी चीजों को रोकने के लिए, इंटरफेरेंस रोकने के लिए उन्होंने किया होता है कुछ ना कुछ। पुरानी वाली जो टीवी होती थी ना, उनमें स्पीकर लगे होते थे, ऐसा कू कहां बचता है, देखा है कभी? क्या है ये? ये भी रेजोनेंस है, ये भी रेजोनेंस है। तुम्हें पता है कि क्या हुआ, तुम्हें पता है क्या हुआ? स्पीकर ऑन है, स्पीकर ऑन है। स्पीकर ऑन होने का मतलब स्पीकर के पास भी कुछ फ्रीक्वेंसी है। स्पीकर में भले ही गाना नहीं बज रहा हो, पर अगर तुम किसी ऑन स्पीकर के पास कान ला के बैठे हो ना, उसमें भी ज्ज ऐसी आवाज आती है। मतलब स्पीकर ऑन है, मतलब स्पीकर के पास कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी पक्का है। और अगर मोबाइल के ऊपर किसी का कॉल आ रहा है, मतलब वो भी कोई फ्रीक्वेंसी है। अगर गलती से इस फ्रीक्वेंसी का और इस फ्रीक्वेंसी का मैचिंग हो गया, तो समझ जाना तुम्हें कू कहां सुनाई देगा। और होता ही है मैचिंग, होता ही है मैचिंग। इस मैचिंग का हो जाना मतलब स्पीकर का कू कहां चालू कर देना। माइक के पास भी होता है, माइक में भी होता है। वो जो माइक में देखा है कभी कू करके चालू हो जाता माइक, देखा कभी? वो क्या है? वो रेजोनेंस है, वो रेजोनेंस है। माइक ने आजू बाजू की कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी पकड़ ली जो माइक की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो गई, और जब वो फ्रीक्वेंसी माइक के फ्रीक्वेंसी के मैच हो जाती है ना, तो सडनली एम्पलीट्यूड सडनली बढ़ जाता है, जिससे तुम्हें कू करके आवाज सुनाई देती है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाता है। मतलब फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में इतना गंदा वाला वेरिएशन आता है कि सडनली तुम्हें कू करके आवाज सुनाई देती है। ये क्या है? ये रेजोनेंस है।
ये रेजोनेंस है, फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है, उसको रेजोनेंस बोलते हैं। आया समझ में? आया समझ में? आया कुछ? अच्छा एक और सवाल, वंस मोर एक और हो जाएगा। रेडी है क्या तुम लोग? देख ये बिल्डिंग है, ये जमीन है, ठीक है, समझ, जमीन में अर्थक्वेक आ गया, तुमको क्या लगता है अर्थक्वेक आने से बिल्डिंग्स क्यों गिरती है? तुमको क्या लगता है? कभी कभी ऐसा ध्यान से देखना, अर्थक्वेक आया है कहीं और, 50-60 किलोमीटर दूर अर्थक्वेक आया है और 50-60 किलोमीटर दूर कोई बिल्डिंग गिर जाती है, क्यों ऐसा? जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक के पास एक फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी के साथ साथ अर्थक्वेक जमीन को भी वाइब्रेट करता है, अर्थक्वेक वाइब्रेशन को पैदा करता है। इस वाइब्रेशन की वजह से यह बिल्डिंग के पास भी एक फ्रीक्वेंसी आ जाती है। जैसे कि अगर तुम किसी गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी दर 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 कर रही है, पुरानी कोई जीप वीप में बैठे हो जाके, वो गाड़ी तर 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 कर रही है, गाड़ी में बैठने के बाद तुम भी तर 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 करने लगोगे, बराबर है कि नहीं? अभी अर्थक्वेक आया है, अर्थक्वेक के पास वाइब्रेशन है, अर्थक्वेक के पास फ्रीक्वेंसी है, तो अगर जमीन वाइब्रेट कर रही है तो बिल्डिंग भी वाइब्रेट करेगी, और अगर गलती से बिल्डिंग के वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी और अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई बेटा, तो ये बिल्डिंग के कांच वांच सब ब्लास्ट हो जाएंगे। जरूरत नहीं है ये जमीन का नीचे से फट जाए, जरूरत नहीं है, रेजोनेंस की वजह से भी वाट लग सकती है। आया समझ में? आया? अब ऐसा नहीं है कि रेजोनेंस खाली इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में होता है, रेजोनेंस दुनिया में हर जगह पे होता है, पर हमारा हर जगह वाला हमारा पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस पढ़ना है। पर मैंने तुम्हें रेजोनेंस हर जगह पे पढ़ा दिया, कैसे ये दो सर्किट काम करते हैं वो हमारा मुद्दा रहेगा, प्लस इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने तुम्हें जो एग्जांपल्स दिए इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस से हटके एग्जांपल्स दिए, पहले दो एग्जांपल्स इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के एग्जांपल्स थे, अगले लेक्चर में आके हम सीरीज रेजोनेंस सर्किट और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट्स, इन दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे। अबे आज का लेक्चर 1.4 है कि 1.5 है, कोई मुझे बताता ही नहीं है, कोई बोलता है 1.4 है, कोई बोलता है 1.5 है। इसके पहले कौन सा था? इसके पहले एसी 1.3 था। क्या मैंने 1.3 में ही 1.4 पढ़ा दिया था क्या? 1.3 में ही 1.4 हो गया था क्या? ठीक है, इसको मैं 1.5 कर रहा हूं, आप लोग एडजस्ट करके लो, आपने गलती से 1.3 लिखा था, इट्स 1.4। अरे ठीक है, जान दो, चलो कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट करके लो, ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं। एक सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस और न्यूमेरिकल, चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद लगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू करेंगे, ठीक है, चलो टाटा, आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर, बाय बाय।